इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भीड़ को देख के आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्रिसमस मनाने के लिए लोग अपने घर पे नहीं बल्कि यहाँ पे। ओके, तो यहाँ का जो टेम्परेचर है लगभग 20-22 डिग्री फारेनहाइट है ना, जो कि बहुत ही ठंडा है, इसलिए हमने जोड़ा जामा पहन लिया है। भैया हाँ। नीचे उतरा हाँ, मिल जाएगा पहले तुम चैन बंद करो। और धूप देख के आप ये मत सोचिएगा कि ठंडी नहीं है, ठंडी अगर सेंटीग्रेड में देखेंगे तो इस समय -6 डिग्री सेंटीग्रेड है, माइनस होगी, ठीक है। वहाँ जहाँ भी आप पानी देखोगे इस समय रोड के किनारे सब जमे हुए हैं, अभी मैं दिखा भी दूंगा, ठीक है। तो -6 डिग्री है और फील लाइक अमेरिका में दो टेम्परेचर होते हैं जो कि मैं इंडिया में नहीं सुना था, एक होता है फील लाइक, एक ओरिजिनल। ओरिजिनल जैसे -6 डिग्री सेंटीग्रेड है, फील लाइक मतलब उससे भी कहीं ज़्यादा, जैसे मान लो थोड़ा बहुत हवा चल रही है जिसको हम कहते हैं बयार चल रही है तो ठंडी ज़्यादा लगती है, तो कुछ ठंडा हवा चल रहा है, कुछ और चल रहा है, इस वजह से और ठंडा फील जो है -6 से कहीं ज़्यादा -8, -9 के आसपास लगने लगता है। ओह माय गॉड, ग्लव्स। अरे तुम्हारा ग्लव्स कहाँ है? ओह माय, देखा ना दूसरा। ओह माय। ओके, तो हम सब पहुंच गए हैं बिल्डिंग के पास और यहाँ लिखा बिफोर यू इंटर आपके पास क्या क्या होने चाहिए, ठीक है, कैसे मुंह उठा के चले आना अंदर। और आप यहाँ से देख सकते हैं सब क्रिसमस मनाने कहाँ आए हैं। Hi there, welcome. Hi. Have your tickets ready to be scanned? Yes. Yeah. Okay. Map lena, map. Do you need two maps? There. Thank you. Thank you. And that's for four. Yes. Thank you very much. Have a wonderful time. Thank you. उधर से जो हवा चल रही है ना, उस हवा के वजह से जो है हम सबका जो है माथा जो है यहाँ पे जितने खुले हुए हैं ना एकदम बर्फ की तरह फ्रीज हो चुके हैं, ठीक है। चूँकि क्रिसमस है आप देख सकते हैं कि बाहर ही कितने क्रिसमस सजाए गए हैं और करते हैं इसके अंदर एंट्री, तो तब से थोड़ा सा जान में जान आएगी, फिर बोलने में आएगा मजा, ठीक है, नहीं तो बड़ा है सजा बाहर। ओके, ये देखिए सब रियल प्लांट के बने हुए क्रिसमस ट्री बनाए गए हैं, ठीक है, दीज आर द रियल प्लांट। तो चूँकि आज क्रिसमस है तो बच्चों के लिए देखिए नेजक चिल्ड्रन क्रिसमस ट्री यहाँ पे सजाए गए हैं, तो इसमें जो है हर स्टेट के अपना अपना रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें आप मेरीलैंड, पेंसिल्वानिया सब कुछ देख सकते हैं, और जितने भी स्कूल हैं यहाँ पे हर स्कूल एक पेड़ जो है एक स्कूल को रिप्रेजेंट करता है, तो देखते हैं कि हमारा स्कूल इसमें आता है कि नहीं। कौन सा ये है? एक्सटॉन एलिमेंट्री स्कूल द्वारा बनाया गया है ये, तो आप देख सकते हैं इधर चारों तरफ जो है क्रिसमस ट्री सजाए हुए हैं और ये क्रिसमस ट्री किसी न किसी स्कूल द्वारा स्पॉन्सर्ड। देखिए ये एक ऐसा पौधा है जिससे गिफ्ट फलते हैं, फल लगते हैं, ये तीनों फल जो है इसी क्रेप पेड़ से आए हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए फूल का पौधा है, ये तुलसी की प्रजाति जैसा लग रहा मुझे, ये रोज। यहाँ पे पानी और पानी है तो रिजगारी है, देखो रिजगारी इतना फेंका गया है। यहाँ पे इतने सारे पौधे हैं, इतने सारे पौधे हैं जिसका स्मेल जो है अब फूल है और फूलों का जो सुगंध है बहुत ही अच्छा आ रहा है, अच्छा फील आ रहा है। और आप यहाँ पे देखते हैं तो हर साल जो है इस प्रांगण में यहाँ से लेकर वहाँ तक कुछ नए तरीके से सजाए जाते हैं, तो इस प्रकार का इनका कॉन्सेप्ट यही है, DNA टाइप से कुछ लग रहा है मुझे, सारे फूलों को DNA के स्पाइरल में सजाए गए हैं, बीच में लगाए हैं फाउंटेन। रियली? तो आने यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रही है कि जो भी आप फूल देख रहे हैं दरअसल में फूल नहीं है, ये कलरफुल पत्ता है, ठीक है। At the center of bracts. Colorful leaves that are often mistaken for flower petals. Mm-hmm. The actual flower do not have petals, they're called cyphea. Okay. तो अन्या ये कह रही है कि यहाँ पे प्रांगण में जितने भी फूल देख रहे हैं वो फूल नहीं है, दरअसल में वो पत्ते हैं, ठीक है। बोगनवेलिया एक इंडिया में काफी पौधा बड़ा फेमस है, आप जानते होंगे, वो जो है लपेटनी जैसा चढ़ता है, उसके जो कलरफुल और पिंक कलर के इस टाइप के पत्ती देखते हैं दरअसल में वो पत्ती ही होती है, फूल नहीं होती है। तो इस प्रांगण में जितने भी आप कलरफुल देख रहे हैं दरअसल में वो पत्ता है, फूल नहीं है। तो इस कहानी से शिक्षा मिलती है। Yes, of course.
कि नक्कालों से सावधान। देखिए यहाँ पर भी क्रिसमस ट्री लगाए गए हैं और क्रिसमस ट्री का खास बात ये है, इसका जो फूल है ये कुछ अजीबो गरीब जैसा लग रहा है, बल्ब जैसा। तो जैसे कि मैंने बताया कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि गर्मी या जो ठंडी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो है टेम्परेचर अंदर का बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना इसमें से गर्म गर्म हवा आ रही है, इसमें से या उधर उसमें से, ठीक है। पौधों के लिए बनाए गए हैं और हम सबके लिए भी बनाए गए हैं, तो यहाँ से आप फोटो खींच सकते हैं। तो ठंडी के लिए बहुत अच्छी जगह है ये, क्योंकि बाहर जो है बहुत ज़्यादा ठंड है, अंदर जो है टेम्परेचर मस्त है। यहाँ पर आप जब मर्जी चाहो और जितना मर्जी चाहो घूम सकते हैं। तो इस तरह से हम जो है मेन प्रांगण के दूसरे छोर पे आ गए हैं और यहाँ पे लगे हुए हैं क्रिसमस का ट्री और यहाँ पर भी लोग फोटो खिंचा सकते हैं। तो मेन प्रांगण में देखते हैं कि यहाँ पर एक जो है झूमता हुआ क्रिसमस ट्री है जो कि नाच रहा है। तो ये वाला जो प्लांट है ये देखिए नाच रहा है अपने धुरी पर, जैसे पृथ्वी अपने धुरी पर नाचती है उसी प्रकार से ये भी नाच रहा है। तो ये एक रूम है अलग से और यहाँ पे देखो सजाए गए हैं, ओह माय गॉड, देखो फूलों से सजाए गए हैं औरत के ड्रेस को। रियल फ्लावर हैं सारे, ये गाउन बनाया हुआ है फ्लोरल गाउन। लेकिन यहाँ प्लांट का एक जो है कुर्सी बनाया गया है और प्लांट का तकिया भी है, ठीक है, मास है ये, ठीक। अन्या जैसे मशरूम क्रिसमस ट्री, अरे मशरूम लगे हुए हैं। और आपको दिखाते हैं यहाँ का ठंडी का नज़ारा, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था यहाँ पे जो है लाइट जलते हैं और लोग यहाँ पे फोटो भी खिंचाते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में। और इस तरह से आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज होते रहते हैं बीच बीच में, ठीक है। अभी रेड एंड व्हाइट है, अभी देखो ब्लू ब्लू भी हो जाएगा, पीला भी हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको चाय काफी नाश्ता पानी कुछ मिल जाएगा खाने को। तो यहाँ पे देखिए लंबी लगी है लाइन और हम भी यहाँ पे लाइन में पहले खड़े रहेंगे और अपने गाड़ी का इंतजार करेंगे। ओके, तो हम सबका नंबर आने वाला है, यहाँ पे जो है लिखा यहाँ पे खड़े रहो। ये मोहतरमा सामने खड़ी यहीं बताएंगे हमको अंदर जाना क्यों है, कब है। थैंक यू। और यहाँ पे आपको पॉपकॉर्न है, सेब है, कुकी है, इधर देखिए सब सैंडविच हैं, बने बनाए सलाद हैं, यहाँ पे शायद दूध है, होल मिल्क और चीज है, सूप है। यहाँ से हम आगे बढ़ो ना। तो यहाँ का अगर आप मेंबर हैं, जैसे हमारे पास ये मेंबरशिप कार्ड है ये, ठीक है, तो आपको जो है 10% शायद डिस्काउंट देते हैं, ठीक है। और ये हमारा क्रीम मिल्क है शायद हाफ एंड हाफ। हम सब जा रहे हैं जनवास के अंदर और जनवास में जानते हैं क्या होता है, बराती लोग अंदर जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे जनवास के अंदर जा रहे हैं। बेसिकली ये जो है क्रिसमस ट्री में सजाया गया है बहुत बढ़िया। और ये पूरे आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये पूरा तरीके से कंप्यूटराइज्ड है। उस साइड में आप देखेंगे यहाँ पे अभी फूल उल भी बनेंगे। ओह माय गॉड,
बड़ा ही सुंदर लग रहा है यहाँ से तो। पंखुड़िया नाच रहे चारों तरफ, आगे भी और पीछे भी। Oh my God, बहुत ही अच्छा लग रहा है अंदर से। बाहर से तो और भी अच्छा लग रहा है, ऊपर से मून भी इसका शोभा बढ़ा रहा है, चार चांद लगा रहा है मून ऊपर से। तो ये एक ऐसा लैंप है, दीपक है, तो इसको बोलते हैं दीपक तले अंधेरा नहीं होता है। देखो नीचे भी लाइट है, तो नीचे की परछाई ऐसा लग रहा है जैसे 3D का कलर हो और सचमुच में नीचे बनाया गया है। दरअसल में देखा जाए तो ये पत्थर की डिजाइन नहीं है, बल्कि ये जो है इस लाइट का रिफ्लेक्शन है। जो ढेर सारे इसमें फूल पत्तियां बने हुए हैं उसी का जो है परछाई है यहाँ पे। को देखने से लगता है कि जैसे कि जमीन पे खुरेद करके बनाया गया है। Yeah.